सो दोस्तों, अगर आप एक नए फोन को बाय करने जा रहे हो, नया फोन आप परचेज करने वाले हो सिनेमाटोग्राफी के लिए, व्लॉगिंग के लिए और वीडियो को एडिट करने के लिए, तो अभी आप यहीं पे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी सी वेट कर लो कि इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करना कि आपको कौन सा फोन लेना है व्लॉगिंग के लिए और वीडियोग्राफी के लिए। क्योंकि हमें एज अ बिगनर नहीं पता होता कि हमारे फोन के अंदर हमें कौन से फीचर्स चाहिए जो हमें काम आएंगे वीडियोस को एडिट करने के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए, व्लॉगिंग के लिए। और हम क्या करते हैं, शॉप के ऊपर जाते हैं और शॉप के ऊपर जाके हम एक गलत फ़ोन को बाय करके ले आते हैं। फिर हमें बाद में पता लगता है कि भाई इस फोन के अंदर तो वो वाले फीचर्स हैं ही नहीं। सो अगर आप एक नए फ़ोन को बाय करने जा रहे हो तो सबसे पहले जौन सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को आपको नोट करना है। आप अपने फ़ोन के अंदर नोटपैड को ओपन कर लो या फिर कहीं भी आप लिख लो, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर अगर ये वाले फीचर्स हैं तभी आप उस फ़ोन को बाय कर सकते हो, तभी आपने उस फ़ोन को लेना है। अगर आपको प्रॉपरली फीचर्स ही नहीं मिलेंगे आपके फ़ोन के अंदर तो आप अच्छे से वीडियोस को शूट नहीं कर पाओगे। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा और आपके फ़ोन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जिसको मतलब कि ऐसी वीडियोस चाहिए, और एंड में करना जब आपको लगेगा कि मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ प्रोवाइड की है। सो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चल करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप व्लॉगिंग वीडियोस को बनाना स्टार्ट करो या फिर सिनेमाटोग्राफी करना स्टार्ट करो अपने फ़ोन से, तो आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए FPS का ऑप्शन, मतलब कि फ्रेम रेट का ऑप्शन आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये जो सा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है और इसके अंदर हमें फीचर्स मिलते हैं कि हम कोई भी फ्रेम रेट पे चूज़ करके वीडियोस को शूट कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि आप एक ब्लॉग शूट कर रहे हो और ब्लॉग के अंदर आपको स्लो मोशन भी करना है और आपको एक स्मूथ सा ब्लॉग चाहिए, मतलब कि बिल्कुल जिटरनेस नहीं चाहिए और देखने वाले को बिल्कुल स्मूथ लगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 60 FPS। अगर आप चाहते हो नॉर्मल मोशन पे वीडियो को शूट करना तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 24 FPS, 25 या फिर 30 FPS, पर उसके अंदर आप स्लो मोशन नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि वो फ्रेम रेट थोड़ा सा मतलब कि डाउन होता है। अगर आपको अच्छे से स्लो मोशन करना है बाद में वीडियोस के अंदर, बीरोल शॉट्स के अंदर, तो आपके फ़ोन के अंदर 60 FPS का ऑप्शन होना चाहिए, जिसके अंदर अगर आप उसको बाद में अपने ऐप के अंदर ले जाके या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाके उसको स्लो डाउन कर सकते हो और आपको बहुत ही कमाल का एक स्लो मोशन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। सो अगर आप नया फ़ोन लेने जा रहे हो, नए फ़ोन के अंदर आपके पास FPS का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि फ्रेम रेट आप चूज़ नहीं कर सकते हो और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 30 FPS ही है, तो आपको उस फ़ोन को नहीं लेना, अवॉइड करना है, और आपको देखना है कि उसके अंदर एटलीस्ट 30 FPS का और 60 FPS का ऑप्शन हो कि आप चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अच्छे से वीडियोस को शूट कर पाओ। सो बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, और सेकंड पॉइंट आपने चूज़ करना है मेगापिक्सल्स। मतलब कि आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसा कि आजकल गेम चल रही है कि इतने मेगापिक्सल्स, पता नहीं मेगापिक्सल से क्या हो जाएगा, पता नहीं कितनी बढ़िया वीडियो आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको चेक करना है कैमरा सेंसर, जैसा कि सोनी के सेंसर आते हैं और सोनी के सेंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगते हैं, और फिर आते हैं हमारे पास सैमसंग के जो से सेंसर होते हैं वो भी अच्छे काम करते हैं। सबसे पहले आपने मेगापिक्सल्स के ऊपर नहीं जाना कि इसके अंदर 100 मेगापिक्सल है, इसके अंदर 1000 मेगापिक्सल है, तो आपने मेगापिक्सल वाली गेम के अंदर एंटर नहीं करना। आपने एंटर करना है सेंसर वाली गेम के अंदर कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा सेंसर लगा हुआ है। अगर आपका नॉलेज नहीं है कि आप कैसे पता कर पाओ कि आपके फ़ोन के कैमरा के अंदर कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है जो सा आप फ़ोन लेने वाले हो, तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाके आपने अपने फ़ोन का नंबर डालना है जो सा आपका मॉडल नंबर है, और वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसका नाम है GSM Arena, और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा कैमरा सेंसर आपका यूज़ हो रहा है। उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी आपके फ़ोन के कैमरा के बारे में कि आपके फ़ोन के कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और कौन सा सेंसर यूज़ हो। सो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मेरे पास यहाँ पर फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, अब ये मेरे लिए फ़ोन बेस्ट है। बहुत सारे बंदों ने मुझे कमेंट किया कि ये फ़ोन हीट करता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हीट ना करती हो, मेरे पास लैपटॉप है वो भी हीट करता है, आईफोन 12 है वो भी हीट करता है, जब आप उसको मतलब कि एक्सेस यूज़ करोगे, मतलब कि धूप में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और कैमरे के अंदर ये फ़ोन इतना कमाल का परफॉर्म करता है। अब इस फ़ोन के अंदर हमें मिलता है 12 MP का वाइड कैमरा जो सा मेन कैमरा है, और 12 MP का मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, मतलब कि इसके अंदर कोई भी 48 MP या फिर 100 या फिर 1000 MP नहीं लगा हुआ, पर फिर भी इसकी वीडियो की क्लैरिटी और फोटो की क्लैरिटी अनबीटेबल है इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपको नहीं यकीन है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ या वहाँ, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही कमाल की एक हाई टेक वीडियो को शूट कर सकता है अगर आप चाहोगे। सब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, और यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके फ़ोन की रैम कितनी और कौन सा उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। अब जैसा कि यहाँ पे जो सा मेरे पास अभी जो सा मैंने फ़ोन लिया है सैमसंग का, इसके अंदर जो सी रैम है वो 8GB लगी हुई है, ठीक है, और 128GB इसकी स्टोरेज है, और इसके अंदर हमें मिलता है एक्जिनोस का प्रोसेसर, ठीक है, सैमसंग का प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को,
मुझे एक भी लैग देखने को नहीं मिला है और मैंने इसके अंदर वीडियो को भी एडिट किया है और वीडियोग्राफी की है और काफ़ी सारा हार्श सनलाइट के अंदर जाके मैंने वीडियोस को शूट किया है 4K 60fps के ऊपर और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी मुझे मतलब कि लैग महसूस नहीं हुआ कि ये जिटर होके बंद हो गया या फिर ये गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, वीडियो हमारी नहीं बन पा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर एटलीस्ट 8GB की रैम होनी चाहिए एंड्रॉयड। अगर आप एक फ़ोन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसे लगा ही रहे हो, तो थोड़ा सा रुक लो, पर एटलीस्ट एक ऐसा वर्जन लो मतलब कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। 64GB की आपने स्टोरेज नहीं लेनी है क्योंकि आप जब वीडियो को शूट करोगे उसके बाद उसको एडिट भी करोगे, एडिट करके उसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह भी लगाओगे, फिर वीडियो बाहर आएगी तो आपकी मेमोरी पहले फुल हो जाएगी जब वीडियो को शूट करोगे ना फोन से। सो जिसने नॉर्मल यूज़ करना है उसके लिए तो ठीक है 64GB, पर अगर आपने कंटेंट शूट करना है, वीडियोग्राफी करनी है और वीडियोस को आपने एडिट भी करना है अपने फ़ोन से ही फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपके फ़ोन के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 128GB होना चाहिए। सो फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आपने चेक करना है कि आपके जौन से फ़ोन का फोकस है, जौन सा फ़ोन आप बाय करने जा रहे हो उसका फोकस कैसे काम करता है, मतलब कि उसके अंदर ऑप्शन है कि फोकस को आप एक्सपोजर को लॉक कर पाओ। सो अगर आपके फ़ोन के अंदर फोकस और एक्सपोजर लॉक करने का ऑप्शन नहीं होगा तो जैसा कि अगर आपकी लाइटिंग कंडीशन चेंज होगी, आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट करोगे तो आपका सारा वीडियो का जौन सा फ्रेम होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपकी लाइटिंग कंडीशन हिल जाएगी, आपका वाइट बैलेंस हिल जाएगा, जो कि आप एडिटिंग में रिपेयर नहीं कर सकते। सो जब भी आप फ़ोन को बाय करने वाले हो, चाहे आप ऑनलाइन बाय करने वाले हो, चाहे आप शॉप के ऊपर जाके बाय करने वाले हो, तो सबसे पहले आपने शॉप के ऊपर ही जाना है और वहाँ पे जाके आप चेक करो फोकस करके कि आपका फोकस फ़ोन कैसे कर रहा है, आपको प्रॉपरली फोकस लग रहा है, और आपने चेक करना है कि कितनी देर में फोकस करता है, कितनी देर बाद फोकस हटा लेता है, उसकी फोकसिंग स्पीड क्या है। ऐसे नहीं कि जस्ट आपने यहाँ पे लेके आए और वो फोकस ही नहीं कर रहा, तो ऐसे आपने नहीं मतलब कि उस फ़ोन को लेना। सबसे पहले आपने चेक करना कि वो फोकस कैसे कर रहा है, उसकी फोकसिंग स्पीड क्या है, और ये आप चेक ही नहीं करते कि भाई फ्रंट कैमरा के अंदर में ऑप्शन चाहिए, तो फ्रंट कैमरा के अंदर एटलीस्ट आपके पास 60fps का फुल HD का सपोर्ट चाहिए। 4K नहीं भी है तो चलेगा, अगर 4K है तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप देख लेना जाके एक 30fps से वीडियो को शूट करके देना फ्रंट कैमरा से, और वहीं भी आप शूट करके देखना 60fps से। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 60fps से बहुत ही अच्छा स्मूथ लॉक शूट हो सकता है। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो उनसे हमारे फ़ोन के अंदर वीडियोग्राफी के लिए होना ही चाहिए, ब्लॉगिंग वीडियोज़ के लिए। वो आता है हमारे पास यहाँ पे OIS का सपोर्ट, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए कि आप अच्छे से वीडियोस को शूट कर पाओ। अगर आप सेल्फी स्टिक का यूज़ कर रहे हो या फिर आप हैंड हेल्ड वीडियो को शूट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके फ़ोन के अंदर OIS का सपोर्ट या फिर वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, मतलब कि आप फ्रंट कैमरा से रियर कैमरा से वीडियोस को शूट कर पाओ, कि जिसकी वजह से आपको अच्छी क्रिएटिविटी मिले आपके ब्लॉगिंग वीडियोस के अंदर। ऐसे नहीं कि जस्ट आप प्लेन ही वीडियो को शूट कर ही जा रहे हो, तो आपने ये भी चेक करना है। और आपके फ़ोन के अंदर अगर आप एक 30,000 का 25,000 का फ़ोन ले रहे हो या फिर 35-40,000 का फ़ोन ले रहे हो, तो उस फ़ोन के अंदर प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन होना चाहिए, ये फ़ोन के अंदर होना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इससे आप मैन्युअली सेटिंग्स को कंट्रोल करके, अब जैसे कि कई बार हमें इंडोर वीडियो को शूट करना है अपने फ़ोन से, तो वहाँ पे आप अपनी शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, फोकस को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, वाइट बैलेंस आपका हो गया। अब सैमसंग के फ़ोन के अंदर एक और कमाल का फीचर है, अगर किसी और फ़ोन के अंदर होगा तो मुझे बताना कि इस फ़ोन से, अब जैसे कि जौन से मेरे एयरपॉड्स हैं या फिर एयरबड्स जो भी आपके पास हैं, उसको भी यूज़ करके आप व्लॉगिंग करते वक्त ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो सैमसंग से। तो अभी मैं आपको ऑडियो सैम्पल्स दिखाता हूँ कि अगर आप एयरपॉड्स को यूज़ करते हो ऑडियो को रिकॉर्ड करते वक्त व्लॉगिंग वीडियोस के लिए, तो आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को यूज़ करके। सो दोस्तों अभी जौन सा ऑडियो सुन रहे हो रिकॉर्ड कर अपने एयरपॉड से, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई भी माइक नहीं लगाया हुआ और कोई भी मैंने ऑडियो के अंदर एडिटिंग नहीं की हुई है, फिर भी जौन सी आपको वॉइस सुन रही है बिल्कुल क्लियर सुन रही होगी। और अगर आप माइक का यूज़ नहीं करते हो तो आप अपने एयरपॉड्स को यूज़ करके भी अच्छे से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को यूज़ करके। सबसे पहले हमें पता नहीं होता कि हमारे फ़ोन के अंदर हमें कितने लेंसेज हमें चाहिए, क्या हमें यहाँ पे सारे के सारे पीछे कैमरा चाहिए, इतने कैमराज का मतलब कि हमें ज़रूरत भी है, या हमें कौन से लेंस चाहिए अपने फ़ोन के अंदर जो कि ज़रूरत है जिसकी हमें, ठीक है। सो जौन सा भी आप फ़ोन ले रहे हो एंड्रॉयड के अंदर, उसके अंदर आपको चेक करना है कि उस फ़ोन के अंदर जौन सा आप फ़ोन ले रहे हो उसके अंदर आपको दो लेंसेज मिल रहे हैं, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि फोटोग्राफी के अंदर और वीडियोग्राफी के अंदर सपोर्ट करे, और एक आपको चाहिए एक वाइड लेंस जो कि अच्छा सेंसर के साथ आता हो, जो कि होता है हमारा एक मेन कैमरा। अब यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे एक और लेंस है जो कि है टेलीफोटो जूम लेंस। अगर सपोज करो कि मैं थंबनेल के लिए कोई पिक क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल DSLR जैसी फोटो को ले सकता हूँ अपने सैमसंग वाले फ़ोन को यूज़ करके। सो अब मैं आपके साथ जौन सा फीचर शेयर करने वाला हूँ फ़ोन के लिए, वो ऐसा है कि अगर आपको मतलब चाहिए तो आप ले सकते हो, मतलब कि रिकमेंड नहीं कर रहा कि जिसको चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए था तभी मैंने इस फ़ोन को लिया है,
सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को, और ये वाला फीचर मेरे आईफोन 12 के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो तभी मैंने इस फ़ोन को बाय किया। अभी इस फीचर को मैं मिस कर रहा था इस फ़ोन के अंदर। वो फीचर ये है कि पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट, मतलब कि बैकग्राउंड ब्लर करके मैं वीडियोस को शूट कर पाऊँ, अपने व्लॉगिंग वीडियोस को भी मैं शूट कर पाऊँ। पर इस फीचर का बेनिफिट क्या है वो आपको बताता हूँ। अब सपोज करो कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर गए हो कि जहाँ पे आप व्लॉग को शूट कर रहे हो और आसपास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और आपके फ्रेम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको नहीं चाहिए, और वहाँ पे आपको व्लॉग भी बनाना है और आपको चाहिए कि आपका पूरा पूरा फोकस आपके ऊपर हो। अगर आपके फ़ोन के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट नहीं होगा तो आपके आसपास जो सा भी एरिया है वो मतलब कि आएगा, आसपास जो से भी लोग जा रहे हैं, जो से आपको लोग देख रहे हैं वो भी आसपास आ जाएंगे। पर अगर आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड ब्लर वाले फीचर को अपने फ़ोन के अंदर, तो एक तो अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे, उसकी अमाउंट वैल्यू को सही से यूज़ करके वीडियोस को शूट करोगे, और जैसे आप उसके ऊपर कलर फिल्टर अप्लाई करोगे सिनेमैटिक कलर फिल्टर, तो मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि कुछ बंदे आपको पूछेंगे कि आपने कौन से कैमरा का यूज़ किया है। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब स्मार्टफोन अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप 50,000 का ले लो या फिर आप 1,00,000 का फ़ोन ले लो, 25,000 से 30,000 के आसपास और 20,000 से 30,000 के आसपास भी आपको अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। सो भाई जब भी आप फ़ोन लेने जा रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के फ़ोन को बाय करना। और जौन सी हमारी रेंज आती है 25 से 35 तक, ये एक बेस्ट रेंज है फ़ोन के लिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको सारे सारे फीचर्स मिल जाएंगे और आपको एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन्स भी सस्ते हो जाते हैं। तो आपको 25 से लेके 40 तक आप आराम से कोई भी फ़ोन को बाय कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।